कुल्लू जिला के दुआड़ा पंचायत के मेहा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर लखन के कारनामों के बाद अभिभावक उग्र हो गए हैं। अभिभावकों ने छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ के लिए हेडमास्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं अभिभावकों ने स्कूल में 4 खाली पदों को भरने की भी मांग की है। मनाली के द्वाड़ा पंचायत के मेहा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर लखन के कारनामे के बाद अभिभावक उग्र हो गए हैं। अभिभावकों ने एडीसी कुल्लू अक्षय सूद को एक ज्ञापन सौंपा। एडीसी को ज्ञापन के दौरान ग्राम पंचायत प्रधान प्रोमिला ने कहा कि 3 वर्षों से प्रशासन व विभाग से खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं, परंतु बीते 3 वर्षों में शराबी हेडमास्टर के सहारे स्कूल चलाया जा रहा है और नशे की हालत में हेडमास्टर छात्रों को क्या पढ़ाएंगे, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और विभाग शराबी हेडमास्टर पर उचित कार्रवाई करे ताकि भविष्य में अन्य शिक्षकों को भी नसीहत मिले। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं कर रही है। पंचायत के प्रधान प्रोमिला ने कहा कि 31 मार्च को छात्रों के वार्षिक परिणाम के दिन शराबी हेडमास्टर ने बिना पेपर चेक कर रिजल्ट घोषित कर दिया। जब अभिभावकों ने हेडमास्टर से छात्रों के ग्रेड के बारे में पूछा तो शराब की हालत में वे कुछ भी नहीं बता पाया। पंचायत प्रधान का कहना है कि एक तरफ सरकार व प्रशासन नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग शराबी हेडमास्टर पर कोई चेकिंग नहीं रख रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि हेड शिक्षक को हटाकर दूसरे शिक्षकों की तैनाती की जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ न हो। दुखद घटना थी जी, ये तो हमारे गाँव के बच्चों की बात है। भविष्य में किसी भी और स्कूल में अगर वैसे टीचर को ट्रांसफर किया जाए वहाँ के बच्चे का भविष्य भी खराब हो जाएगा, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आगे इस टीचर पर कड़ी से कड़ी वो कार्रवाई की जाए। चाहता हूँ कि ऐसे टीचरों को सीधा सस्पेंड किया जाए ताकि जो और टीचर भी है उनको भी पता लगे कि भाई ऐसा गलत काम करने से गलत नतीजा निकलता है इसका, उनको तो सीधा सस्पेंड करना चाहिए। 28 बच्चे मिडिल में, 6, 6, 7, 8 में 3 क्लास में 28 बच्चे, एकमात्र एक ही टीचर है वो भी शराबी है। बिल्कुल सरकार से यही अनुरोध करे कि ऐसे टीचरों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए और जो हमारे रिजल्ट लटके हुए आगे एडमिशन करानी हमने बच्चों के वो भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट बनाए। और 31 मार्च के दिन बिना पेपर चेक किए बगैर उन्होंने रिजल्ट सुना दिया हमारे सामने सब कुछ दिखाया उन्होंने कि हमने रिजल्ट तैयार कर दिया, लेकिन जब उनके पेपर पाए गए तो सब मतलब कोई चेक किए नहीं थे, इसलिए हमारे बच्चे किस ढंग से पढ़ाएंगे वो हमारे को तो बहुत दिक्कत है। एक तो हम गरीब परिवार से हम बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं इतने, लेकिन स्कूल भी बहुत दूर है, लेकिन वहाँ भी हमारे को ज़रूरत है स्कूल की। आते हैं डेली पी कर आते हैं और कभी तो पेपर के टाइम तो आए भी नहीं थे। एडीएम अक्षय सूद ने कहा कि द्वाड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है और शिक्षा विभाग इस पर उचित जांच करे। उन्होंने हेडमास्टर पर विभागीय कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। अगर ऐसा कोई मामला है, अगर बिना पेपर चेक हुए कोई रिजल्ट बनाया जाता है तो ये वाकई गंभीर मामला है और शिक्षा विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और परंतु बाकी शिक्षा विभाग छानबीन के उपरांत ही ऐसा वाकई ही कोई वाकया हुआ है नहीं है, ये फिर जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाए। अभी ये समस्त गांववासी ग्राम पंचायत द्वाड़ा के प्रधान की अगुवाई में ये मिलने आए थे और इनका यही कहना था कि इनका जो स्कूल है वहाँ पे पिछले 2 सालों से जो टीचर्स हैं उनके पद रिक्त हैं, एक ही टीचर वहाँ पे काम करता है, तो इनकी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो खाली पद पड़े हैं टीचर्स के वो भरे जाएं। तो ये शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, इसके बारे में जो संबंधित विभाग है उसको ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उनको निर्देश दिए जाएंगे कि जो भी समस्या आ रही है उसका जो भी स्थायी समाधान जो है वो निकाला जाए। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।